या पहले लोग राम एबीसीडी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, ए बी सी डी दो पॉइंट्स पी एंड क्यू किस पे है, डायगोनल बी डी, सच दैट डी पी इक्वल्स टू डी टू पी और बी टू क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि एपीडी कॉन्कॉरेंट, तो ए पी डी और ए वाला सी क्यू बी। तो पहले तो ए वाला एंगल मिल गया, और ऐसे पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम हो गया, तो ए वाला एंगल तो फिक्स हो ही गया। ठीक, ओके, हाँ ए वाला दिया है ना, डीपी इक्वल्स टू बी क्यू दिया गया है। अब वेरी गुड, विच साइड, अपोजिट साइड, तो हो गया साइड एंगल, बस इतना सोच लिया ना आपने ओरली, अब बस लिखना ही है। नाइन, तीन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल है, एपी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। आपने बोला एक तो दिया ही गया है, व्हाट इज दैट, डीपी इक्वल्स टू, तो डीपी इधर और यहां से बी क्यू, दैट इज गिवन। दूसरा आपने बोला एडी इक्वल्स टू, तो यहां से एडी और वहां से बीसी, अपोजिट साइड, और दूसरा ए डी पी और यहां से क्यू बी सी, एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी बाय। ओके क्लियर, बोलो कौन सा कंडीशन, बाय एस ए ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो डी के सामने तो डी लास्ट है, तो लास्ट में क्या आएगा, अब डी के सामने बी हो तो पी के सामने, तो यहाँ पे पी सेकंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू, क्या बचा, हो गया रिजल्ट वन, मिल गया। अभी क्या बोला गया है, एपी इक्वल्स टू, तो भाई सीपी से डी बोल सकते हैं ना, therefore AP equals to CQ by CBCD, मतलब एक प्रूव हो गया तो सेकंड उसके पीछे ही प्रूव हो गया, आया समझ में। अब कुछ आगे बढ़ना है, AQB एंड CPD, सोचो दिस इज सिमिलर टू दिस वन, ऑपोजिट साइड, पर ये तो है ही दिया हुआ, अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब क्या रहा, हम लिख नहीं रहा ना, देखो हमें कितना मस्त दे ही गया है, ट्राइंगल भी कुछ सोचने नहीं है, कुछ करना नहीं है, अंदर के ट्राइंगल देखो और फिर लॉजिक लगाओ। तो ट्राइंगल ए क्यू बी और कौन सा है, तो फॉर ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सीपीडी क्या दिया गया था, क्यूबी इक्वल्स टू डीपी, ऐसा दिया था ना, इट्स अ गिवन। ऑपोजिट साइड कौन से थे, एबी इक्वल्स टू सीडी, विच साइड, ऑपोजिट साइड, एंगल कौन सा बना था, ओके यहाँ पे थे ना पहले ए क्यूबी में था ना, तो ए बी क्यू और यहाँ से तो ए बी क्यू एन एंगल पी डी सी अल्टरनेट एंगल, वापस कही रूल कौन सा रूल आया, बाय एस एस रूल, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बी के सामने डी, अगर बी के सामने डी है तो क्यू के सामने, और बी के सामने डी है तो क्यू के सामने सी, बी के सामने सी, क्यू के सामने पी, बी के सामने जैसे दिया हुआ है ना नाम, तो फिर वही आता है। ओके खुद चूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना होता है, दैट इज द रिजल्ट नंबर थ्री, हो गया। अब उसके नीचे उसका ऐसा सिंपल,
टू इक्वल्स टू सीबी रिजल्ट नंबर बाय सीबीसी। आया समझ में? अब सेकंड एंड थर्ड देखो, एपी इक्वल्स टू और एक्यू इक्वल्स टू, पहले आपको मिला था ए वाले दो सेम है, फिर मिला एक्यू इक्वल्स टू सीपी ए सेम। ऐसा पहले ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें ऑपोजिट साइड के पेयर इक्वल हो, दैट मींस पहले लोग्राम क्या हो जाएगा? पहले लोग्राम। सो सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी बचे हैं। एन क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर था वो? ए बी सी क्यू, ए बी सी क्यू। सेकंड रिजल्ट क्या था? ए बी इक्वल्स टू सी क्यू, ए बी इक्वल्स टू। दूसरा रिजल्ट क्या है? सी पी बाई टू और बाई फोर। ओके, एंड देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम बाय ऑपोजिट साइड आर इक्वल्स। आया समझ में? टेन नंबर, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। एबीसीडी पैरेललोग्राम है और उसमें एपी और सी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसिस एंड ए से और सी से ऑन डायगोनल बीडी। हमें क्या प्रूव करना है? ए पी बी और यहां से सी क्यू डी। बोलो ये वाला आ गया और दूसरा 90 एंगल आ जाएगा। फिर ये वाला होगा, लेकिन इसको लेने का मतलब नहीं रहेगा। कौन सा? ओके लिसन, इसको लेने का मतलब क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि साइड एंगल के बाद ये वाला साइड वहां है कॉमन साइड, यहाँ पे डी क्यू है और यहाँ पे बीपी है, तो कहा कॉमन साइड हुआ? आया समझ में? कॉमन साइड नहीं है। एक पहले बार पहला डाउट निकल गया माइंड में से, आया ना? कॉमन साइड तब होता है जब दो पॉइंट कॉमन होते हैं। इसमें दो पॉइंट कॉमन है कोई भी जगह? तो नहीं होगा। सेकंड थिंग, आपको दो एंगल मिल गए तो सिर्फ ए प्रॉपर्टी यूज करो ना, दो एंगल सेम होते तो तीसरा सेम ही हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल में दो एंगल 30-70 है, दूसरे ट्राइंगल में भी 30-70 है, तो दोनों का दो एंगल का समीकरण कितना हुआ? 100-100। तो तीसरे एंगल दोनों में क्या होगा? 80-80, 180 समीशन होता है ना टोटल। तो ए प्रॉपर्टी, अब देखो ए साइड सेम मिल रहा है क्योंकि पैरेललोग्राम है, मिल रहा है कि नहीं? और ए साइड भी सेम मिल रहा है क्योंकि पैरेललोग्राम है, बट ए दोनों की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एपी भी बोला है तो ये नीचे वाला हो गया, एपी चाहिए। अब ए दोनों ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर ए साइड ले रहे हैं और एंगल ले रहे हैं तो कंपल्सरी यही साइड पे जाना पड़ेगा, साइड एंगल साइड, बट हमारे पास उसका कोई क्लियो नहीं है, तो ये सेम है फिर भी लेना नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा? एंगल एंगल क्यू बचा। कौन सा रूल? ए। सो 10 नंबर, एन ट्राइंगल ए पी बी, एन ट्राइंगल सी क्यू डी, कौन सा एंगल बताया था पहले तुमने? ए पी वाला और दूसरा कौन सा वाला? क्यू वाला। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी इक्वल्स टू 90, इट्स अ गिवन। फिर ऑल्टरनेट एंगल बताया था सी पी सी डी क्यू ए वाले में से, यहां से पी बी ए ए वाले में से, तो एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू, क्योंकि ए पी बी के नीचे उसका ही पार्ट लिखेंगे, सिक्योरिटी के नीचे उसका है, बाय अल्टरनेट एंगल। एंड सो बाय ए ए रूल ट्राइंगल ए पी बी, हेंस ए ए ए इज वैलिड ना, तो ए वैलिड ही है, डाउट मत करना। तीन एंगल सेम होते हैं तो ए ए रूल आता था, तो अगर दो एंगल मिल जाए तो तीसरा तो वैसे भी वही होने वाला, जैसे अभी इल्यूस्ट्रेशन दिया था मैंने, टोटल 180 होता है, उसमें से 230-70 हो तो तीसरा कौन सा होगा? 80 होगा ना, तो दूसरे ट्राइंगल में भी 30-70 तो होने ही वाले है ना, कॉन्फिडेंट है।
तीसरा उसका भी कितना होने वाला है, 18। तो आइदर गोइंग फॉर ए, हम ए से काम कर सकते हैं। सो एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पी के सामने क्या है क्यू, पी के सामने डी, तो सी बचा क्यू डी, ऊपर वाला ही हो गया ना, एंड दैट इज रिजल्ट नंबर। देयरफॉर आपको जो प्रूव करना है वो एपी इक्वल टू सी क्यू, रिजल्ट नंबर टू बाय। कुछ काफी टाइम के बाद इतना छोटा दिखने मिला। 11 नंबर, इसलिए 10 सबको आएगा है ना, 10 सबको आएगा फिर। ओके 11 नंबर, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एबी इक्वल्स टू डी, तो एबी इक्वल्स टू डी बता दिया मैंने, इंडिकेशन है वन वन लाइन का। फिर एबी पैरेलल टू डी दिख रहा है, पैरेलल बराबर। बीसी इक्वल्स टू मतलब कि दिस वन, एंड बीसी पैरेलल टू ईएफ, ओके बीसी पैरेलल टू ईएफ। वर्टिसेस एबीएस एबीसी आर जॉइंट टू डीएफ, जॉइंट किया प्रिज्म बन गया, जैसे सिर्फ में प्रिज्म होता है। ओके देखा है प्रिज्म किसने, सो दैट क्वाड्रिलेटर एबीसी एबीड इज पैरेललोग्राम, कौन सा एबीएडी पैरेललोग्राम है वो बताना है आपको। सो एबीएडी को क्या बताना था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अभी देखो ए पेयर तो ऑलरेडी आपको पैरेलल और इक्वल बोल दिया गया है, देन दोनों नहीं बताना है इसमें, दोनों के दोनों पैर क्या बताने, इक्वल, इससे वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। बट अगर वन पैर पकड़ना है तो वन पैर को इक्वल एज वेल एज क्या बता दो, पैरेलल, दोनों साथ में बता दो, तो भी वो क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वन पैर पैरेलल हो तो ट्रेपेजियम हो सकता है, तो ट्रेपेजियम का शेप ऐसा होता है, अगर वन पैर पैरेलल तो हो गया लेकिन ये दोनों इक्वल है, बट हमने तो वन पैर पैरेलल भी बताया और क्या बताया, तो वो तो सिर्फ किसमें पॉसिबल है, पैरेललोग्राम में। तो देखना जिसमें आपने इतना लंबा सोचा उसमें कितना छोटा काम है। इन क्वाड्रिलेटर कौन सा दिया है, ए बी ई डी, आपको कौन से दो साइड दिए, ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी पैरेलल ई डी गिवन है ना, and that's why opposite side equal parallel, therefore quadrilateral ABED is parallelogram line का है। okay अभी second को आप मुझे हंसते हंसते बोलोगे, लिखते हैं बोलो क्या लिखूं मैं, कह रहा है BC equals to AF और BC पैरेलल ये हो गया BC FE, लोगों ने कह दिया ऐसे उल्टा BE FC, सो इन क्वाड्रिलेटर BE FC आप क्या बताओगे मुझे, BE इक्वल टू FC एंड E पैरेलल टू FC गिवन, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट FC इस पहले लो। अब थर्ड कौन बोलेगा, इसको चेंज कर देते हैं, वैसे आपके सामने फिगर होगा तो आप गलती नहीं करोगे, कौन सी पेयर दी थी बीसी और ईएफ, मैंने उल्टा लिखा था बीसी पैर इक्वल्स टू
AF, or that is BC parallel to, okay, so a third. आपको बताना है AD parallel to और AD, ओके अब ध्यान देना, उसके लिए पहले दो देखो इसमें है ना, लाइन टू लाइन है, तीसरा करने के लिए पहले दो जो प्रूव किया ना उस पर थोड़ा फोकस कर लो. तो मॉड्यूलेटर ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, तो हमें उसमें से कुछ एडी वाला कुछ मिल सकता है, इसमें से ए एंड डी मिला, एंड देयरफॉर एडी, यस में देखो ए बी ई डी, एडी एडी किसको पैरेलल होगा, बी को होगा, तो एडी इक्वल्स टू BE and AD parallels to B. And दूसरा कौन सा correlator? BEFC is parallelogram. And therefore, अब CF लेना है ना दूसरा, इसमें से CF मिल सकता है, मिल सकता है ना, तो CF का equals to क्या होगा, ये देख लो, ये वाले का बात हो रहा है, क्या होगा BE. CF equals to B and CF parallels to and therefore अब देखो AD किसके equals to है और BE किसके equals to है, तो we can say AD equals to likewise AD किसको parallel है और BE किसको parallel है, तो we can say that AD parallel to CF. हो गया प्रूव. अब कौन सा नंबर आए, फोर्थ नंबर, कोऑर्डिनेटर ABCD ए सी एफ डी, कुछ नहीं करना है, इन कोऑर्डिनेटर ए एफ ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ये वाले कंडीशन आ गए, एडी इक्वल्स टू एंड एडी पैरेलल टू, एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेटर ए सी एफ डी इज, जो सबसे लंबा लग रहा था ना वो बिल्कुल इजी में जा रहा है. ओके अब AC इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, AC इक्वल्स टू क्या करना है, DF. अब फ्री फाइव इन कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर लिखिए या तो फिर ऐसा लिखते कोऑर्डिनेटर ACFD इज पैरेललोग्राम. अब देखो ये वाला ACFD पैरेललोग्राम है, तो हम AC इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, तो AC equals to DF. आया समझ में. अब ऐसा बोला है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ऐसा प्रूव करो. तो A साइड के इक्वल टू था, A साइड के इक्वल टू था, और अभी हमने प्रूव किया कि ये इसके इक्वल टू, मतलब S S S. इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल्स टू क्या दिया गया था, डी, क्या दिया गया था, डी ई. दूसरा बी सी इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ई एफ, एंड हमने अभी प्रूव किया ए सी, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये दोनों क्या है, एंड ए लास्ट रिजल्ट, रिजल्ट कौन सा मिला था अभी, फोर्थ ना, फिफ्थ रिजल्ट, फिफ्थ. एंड देयरफॉर बाय SSS रूल ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ. आया समझ में. एबीसीडी इज ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD. AB parallel to CD. CD. So that AD equals to, and AD equals to AD or BC to kya hai? Same. So that angle A equals to, हमें show करना है कि angle A और angle B same है. C equals to क्या prove करना है? D. और triangle ABC, तो ABC मतलब कि वाला ड्रॉ करना पड़ेगा एबीसी, और दूसरा मतलब कि ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा बी ए डी.
और डायगोनल एसी इक्वल्स टू बीडी, याद है क्लियर। और आपको हिंट दिया है कि एक्सटेंड एबी एंड रो अलाइन सी पैरेलल टू डी इंटरसेक्टिंग एबी टू प्रोड्यूस एटी, एबी को प्रोड्यूस करना है और इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा ई पे, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये ए डी सी और ई पैरेललोग्राम बन गया, ये दो लाइन तो पैरेलल जाएगा और ये लाइन हमने पैरेललोग्राम बना दिया। आया समझ में? अब आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अभी ध्यान दो, हियर क्वाड्रिलेटर कौन सा है, ए डी सी ई हमने प्रोड्यूस किया ना, और इसीलिए ए डी सी ई क्या हो गया, ए डी सी ई इज पहले लोगना, क्या हो गया पहले लोगना, और देयर फॉर ए डी इक्वल्स टू, ए डी इक्वल्स टू सी, क्लियर। बट आपको कुछ दिया है कि AD इक्वल्स टू क्या है, AD इक्वल्स टू देयरफॉर AD इक्वल्स टू CE एंड AD इक्वल्स टू BC, देयरफॉर CE इक्वल्स टू ADC के इक्वल्स टू है, ADBC के इक्वल्स टू है, दोनों भी इक्वल्स टू हो जाएंगे ना नंबर, तो A और A दो क्या हो गए सेम। आया समझ में? नाउ इन दिस ट्रायंगल, आया समझ में, अरे पैरेललोग्राम था बराबर, तो AD किसके इक्वल टू था, सी पहले ग्राम में ऑपोजिट साइड सेम होते हैं ना, बट आपको AD इक्वल टू क्या दिया है, तो मैंने AD इक्वल टू BC दिया है और AD किसके इक्वल टू है, सी, दोनों भी तो सेम हो जाएंगे ना, यहाँ पे देखो AD C ही है और AD क्या है, तो ये दोनों सेम बोल सकते हैं ना। ओके नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BCE, इन ट्राइंगल बी सी ई आपको मिला दो साइड सेम, सी इक्वल्स टू, तो आपने लास्ट टाइम किया था इफ यू रिमेम्बर ऑपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, दोनों एंगल सेम है, तो ई बी सी और यहाँ पे बी ई सी, एक है एंगल ई बी सी और दूसरा है एंगल बी ई सी। आया समझ में? दैट इज रिजल्ट नंबर टू पूरे दिन का। बोलो क्यों, इसमें कोई डाउट है, ये दोनों एंगल सेम हो गए, क्लियर हुआ? अब हमें तो क्या बताना है, बी इक्वल टू क्या बताना है, ए, तो पैरेललोग्राम में अगर आपको पता हो तो एडजेसेंट एंगल का समेशन 180 होता था, पता है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा 180, ध्यान देना। बट इन पैरेललोग्राम कौन सा लिया था हमने, पहले पैरेललोग्राम दिख रहा है ए डी सी ई, एंगल ए प्लस एंगल इक्वल्स टू 180, और वो ई जो है ना वो और कुछ नहीं, कौन सा है, देखो हमने ए वाला लेना है तो और कोई नहीं, कौन सा है सी ई बी, देयरफॉर एंगल ए का एंगल ए रखते हैं और एंगल ई की जगह पे क्या लिखते हैं सी ई बी, अदरवाइज यहाँ पे लिखा है वही लिखते हैं बी ई सी इक्वल्स टू therefore एंगल ए, बट बी सी को क्या बोल सकते हैं, ए बी सी इक्वल्स टू एंड देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ई बी सी, ये आया आपका बाई टू, बराबर। अब यहाँ पे देखो ई बी सी को कट करना है, 180 में से कौन सा कट करना है, ई बी सी, ए बी सी था उसको 180 में से कट करना है, तो आप देखो ये टोटल 180 होगा लीनियर पर एंगल, और इसमें से एक कट हो गया तो कितना बाकी बचा, ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा है B, and therefore angle B. आया? A equals to क्या मिला? B. A equals to B मिल गया. अब क्या प्रूव करना है? C equals to D. ये दोनों प्रूव करना है ना? उससे पहले मैं दूसरे में ले जाता हूँ, थर्ड में, तो इजीली हो जाएगा. चलो कौन से दो ट्राइंगल दिए? इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा कौन सा दिया है? एंड ट्राइंगल बी ए डी, तो पहले तो इसमें ए बी और उसमें भी कॉमन साइड, आया समझ में, एंगल ए इक्वल टू सामने कौन है,
एंगल बी, ये कौन सा रिजल्ट था ए, ओके बाय ए प्रूव कर दिया उसको हमने, ओके अब दूसरा देख लेते हैं। तो हमें एक मिला, एक एंगल ए और एंगल बी सेम मिला, दूसरा हमने क्या बोला ए बी बी कॉमन साइड, और एक कौन सा दिया था ए डी इक्वल टू बी सी, दैट इज गिवन ना, दैट इज ए डी इक्वल टू, बट बी सी यहाँ पे लेना पड़ेगा, बी सी है ना, बी सी इक्वल टू सामने कौन मिलेगा ए डी, दैट इज साइड एंगल बाय एस ए एस रूल, क्या होगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलो तो ए के सामने बी, फिर ए के सामने बी हो तो बी के सामने ए और डी के सामने डी, आ गया समझ में, दैट इज योर रिजल्ट सी, मतलब कि क्या, तो एक काम करो बी दे दो, तो अभी के लिए आपका थर्ड रिजल्ट ट्रू हो गया। अब वहां से क्या बोल सकते हो बाय एंगल कौन सा बोलना था सी एंड डी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी बाय सी बी सी डी, यहाँ पे बाय लिखने की जरूरत नहीं, सी इक्वल्स टू डी मिल गया। और दूसरा यहां से डायगोनल लो तो डायगोनल कौन सा है यहाँ पे ए सी, तो यहां से मिलेगा ए सी इक्वल्स टू बी डी, ओके वो भी कहां से आया, क्लियर हुआ।